एक गवाह से कुछ कह रही हूँ। आज का दिन कुछ खास है। पधारे आज हमारे प्रांगण में खास मेहमान हैं। आज वर्ल्ड नर्सिंग डे पे मैं राजेंद्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में मौजूद हूँ और आज यहाँ पे जो नई बच्चियाँ हमारे नर्सिंग स्कूल में ज्वाइन की हैं वो टेकिंग सेरेमनी है। प्लस जो आज बच्चे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे पास कॉलेज हमारे हॉस्पिटल में हमारी ट्रेनिंग के लिए भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं उन सबका स्वागत करता हूँ इस प्रोफेशन में आने के लिए। मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो किस तरह के गाइडेंस उनको देना चाहेंगे, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे इस नर्सिंग डे पे बच्चों को? नॉर्मली हमारे जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जो हमने अभिप्राय देखने में आया है, ज़्यादातर बच्चियां हमारे रूरल बैकग्राउंड में से यहां पे आती हैं और ये प्रण लेती हैं कि ये बीमार लोगों की सेवा करेंगी। और उसी चरण में मैं इन बच्चियों को दो तीन टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले कि एक तो अपनी ये स्किल्स को इम्प्रूव करें। ये तो कॉलेज में हमारी जो टीचिंग होती है वो तो बहुत बढ़िया ढंग से कराई जाती है, ऐसा यहाँ पे सभी तरह के स्टाफ मेंबर्स हैं और उन बच्चियों को वो टीचिंग कराते हैं, परंतु प्रैक्टिकली इनकी स्किल्स थोड़ा सा बच्चों में और ज़रूरी है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को सुधारें और साथ ही साथ, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत यूज़ होता है, तो इन बच्चियों को इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अपना कमांड बनानी पड़ेगी। एनके गुप्ता, मैं आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे है। मैं मानता हूँ कि मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सिंग प्रोफेशन की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि मेन पेशेंट का जो रिकवर करना है वो नर्सिस की डेडिकेशन पे, उनके इमोशनल अटैचमेंट पे और उनकी केयर पे डिपेंड करता है। आज हम राजेंद्रा इंस्टीट्यूशन में नर्सिंग स्कूल चला रहे हैं, हमारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से एजुकेट किया जा रहा है। हमारी फैकल्टीज़, हमारे प्रिंसिपल साहब, इन्होंने बहुत एक मजबूत एजुकेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने बनाया हुआ है जिसके तहत हमारे बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी हमारे जैसे CMO साहब की कृपा से और एक दो हॉस्पिटल की डेरा सच्चा सौदा हो गया और दो तीन और हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां हमारे बच्चे रेगुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज कुछ नए बच्चे भी ज्वाइन हुए हैं। 2021 में जो हमारे बच्चे नया सेशन स्टार्ट हुआ था हमारे नर्सिंग का, उन बच्चों को आज ऑथ दिलाई गई है। इंटरनेशनल जो नर्सिंग डे है उसी दिन हमने ये ऑथ उनको दिलाया है कि वो अपने प्रोफेशन में बहुत डेडिकेशन से और कर्मठता से काम करें ताकि वो हमारे इस इंस्टीट्यूशन का, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का नाम रोशन करें।
स्थान रखते हुए अपने गुरु चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज सबसे पहले तो मैं अति धन्यवादी और दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे CMO साहब का, श्री डॉक्टर मनीष बंसल जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज हमारे कॉलेज के प्रांगण में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया है और कीमती समय। To aid the physician in his work, and devote myself.